नमो नमः। शिव संकल्प सूक्त की हम चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने शिव संकल्प सूक्त के प्रथम मंत्र के विषय में बताया। इस वीडियो में मैं द्वितीय मंत्र के विषय में बताऊंगा। पिछली वीडियो में शिव संकल्प सूक्त के विषय में मैंने विस्तृत जानकारी दी, यानी ये जो सूक्त है वो यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के 34वें अध्याय में वर्णित है। देवता मनस और ऋषि इसके आदित्य याज्ञवल्क्य हैं। चलिए तो हम इसके द्वितीय मंत्र के विषय में जान लेते हैं, निर्विलंब इसको प्रारंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला जो इसका जो दूसरा मंत्र है, ये कर्माण्य बसो मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यद पूर्वं यक्तम् यक्षमन्त प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। इसको हम समझते हैं, इसको अन्वय से हम समझते हैं। देखिए अन्वय जो दिया है, येन मतलब जिसके द्वारा, अपसह मतलब होता है कर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, मनीषिणः मतलब होता है मनीषी यानी विद्वान लोग, धीराः मतलब धीर लोग, यज्ञ मतलब यज्ञ में, विदथेश मतलब यज्ञ के विभिन्न कार्यों में, कर्माणि यानी कर्मों को, कृण्वन्ति यानी कुर्वन्ति करते हैं, यत मतलब जो, प्रजानाम मतलब प्रजाओं के, लोगों के, अंतः अंतः मतलब अंदर, अपूर्वम यक्षम अपूर्वम यक्षम यानी जो लोगों के अंदर प्रथम पूज्य है, तत् यानी वो मनः यानी मेरा मन, तत् मे मनः मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु शुभ विचारों से भरा हो, ये इसका अर्थ है। चलिए तो इसको हम संपूर्ण अर्थ इसका करते हैं। देखिए ये नहीं यानी जिसके द्वारा, ये जो मंत्र है इसका अन्वय ये रहा। अन्वय में क्या होता है, सरल शब्दों में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये न कर्माणि अपसह यानी कर्माणि अपसह यानी धैर्य धीरवान जो लोग हैं, कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है, मनीषिणः मतलब मनीषी लोग जो है, यज्ञ मतलब यज्ञ में, कृण्वन्ति ये कुर्वन्ति का वैदिक रूप है, कृण्वन्ति विदधेषु विदधेषु मतलब यज्ञ के जो विभिन्न कार्य हैं उनको करते हैं, धीराः मतलब धैर्यवान लोग, यद पूर्वम यक्षमन्त प्रजानाम यत मतलब जो, अपूर्वम यक्षम यानी जो प्रथम पूज्य है लोगों के अंदर मन में, यानी जो लोगों के अंदर प्रथम पूज्य होता है वो मेरा मन शुभ विचारों से भरा हो। तो इसमें जो ऋषि हैं उन्होंने कल्पना की है कि हमारा जो मन है वो शुभ विचारों से भरा हो। प्रथम प्रत्येक मंत्र में ऋषि यही कल्पना करते हैं कि वो मेरा मन शुभ विचारों से भरा हो। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि जो मन है हमारा बहुत शक्तिशाली होता है, मन के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी होता है उसके पीछे जिम्मेदार हमारा मन होता है, और मन जो इतना शक्तिशाली है, ताकतवर है, इस वजह से इसके मन के लिए देवता मानते हुए ऋषि ने लिखा है कि देखिए जरा कि जिस मन के द्वारा जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो कार्य कर रहे हैं, यानी कर्मनिष्ठ व्यक्ति यज्ञ में विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, ये न अपसह कर्मनिष्ठ मनीषिणः मतलब मनीषी लोग, धीराः मतलब धैर्यवान लोग, यज्ञ मतलब यज्ञ में विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, विदधीषु यानी यहाँ पर यज्ञ की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको संपादित करते हैं, कर्माणि मतलब कर्मों को कार्यों को, कृण्वन्ति मतलब करते हैं, यत यानी जो, प्रजानाम अंतः अपूर्वम यक्षम जो लोगों के मन में अपूर्व यक्ष है, प्रथम पूज्य है, लोगों के द्वारा प्रथम पूज्य होता है, वो मेरा मन शुभ विचारों से भरा हो। इसका जो सारांश है वो यही है कि हमारा जो मन है इतना शक्तिशाली है जिसके द्वारा यज्ञ भी संपादित होते हैं, मनीषी लोग यज्ञों को कर पाते हैं, वो मेरा मन शुभ विचारों से भरा हो। यानी इस ऋषि ने जो मन की शक्ति है उसको वर्णन किया है। अब हम अगली वीडियो में इसके अगले मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। मैं भी कामना करता हूं कि आपका और मेरा मन शुभ विचारों से भरा हो, ताकि हम सही अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हों, अच्छे कार्यों में लगे रहें। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मंत्र के साथ। नमो नमः।